हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स सुशांत गाइस। ये वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला गाइस कि मैं आपके साथ ऐसा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, ऐसा आपके साथ इंट्राडे का सेटअप शेयर करने वाला गाइस जिससे आपका जो लॉस है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट है, मतलब डेली बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा गाइस। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस अपन चलते हैं, मैं आपको मतलब बताना स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो गाइस आपको करना क्या है गाइस कि जो इंट्राडे में गाइस मतलब जो भी मैं इसके साथ अभी बताने वाला जो भी मार करने वाला गाइस वो आप लिख के रखो गाइस, तो आपको जब भी थोड़ा बेसिक हो जाएगा गाइस तो आपको आराम से समझेगा गाइस। तो गाइस मैं आपको क्या बताने वाला हूँ गाइस कि जो भी ये वीडियो में डिस्कस करने वाला गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस स्टे ट्यून और अच्छे से सुनना गाइस। तो गाइस मैं बताना स्टार्ट करता हूँ गाइस, जो भी मतलब बिगनर रहते हैं और ऐसे जो नए ट्रेडर रहते हैं उन लोग को एक साल हुआ रहता है गाइज, वो लोग क्या करते हैं गाइज जैसे मार्केट चालू होता है गाइज, इफ अपन अज्यूम करते हैं गाइज कि मार्केट मतलब नॉर्मल यही टाइम पे चालू होता है, 9:30 पे मार्केट चालू होगा गाइज, तो वो लोग क्या करते हैं गाइज मार्केट चालू होने के बाद ही फटक से ट्रेड मतलब ले लेते हैं। तो गाइज ये एक गैम्बलिंग टाइप है गाइज, आपको क्या करना है गाइज, ये मतलब मेरा थिंकिंग है और मैं ही हर टाइम ये यूजफुल हुआ है गाइज। आपको करना क्या है गाइज कि जब भी मार्केट ओपन होता है तभी आपको थोड़े टाइम तक वेट करना है गाइज। इफ मार्केट 9:30 के रेंज में ओपन हुआ मतलब पूरा हुआ तो गाइज आपको वेट करना लाइक 9:30 टू मतलब 10 मिनट मतलब मे बी 9:30 को ओपन हुआ तो आपको क्या 10 मिनट तक थोड़ा मार्केट को देखना है। क्या देखना है गाइज, फर्स्ट क्या देखने का अपने को निफ्टी का जैसा हाल है, निफ्टी का जैसा हाल है वो देखने का है। निफ्टी 50 का को क्या हाल चल रहा है ये आपको इम्पोर्टेंटली देखना है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। उसके बाद मेन जो सेक्टर आता है गाइज जो मेरे अकॉर्डिंग है मैं उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है वो है बैंक निफ्टी गाइज। आपको क्या करना है गाइज, जितना आप इंपॉर्टेंट निफ्टी को दोगे उतना इंपॉर्टेंट आप बैंक निफ्टी को भी दे दो गाइज। और 10 मिनट तक आपको क्या करने का ये देखना है गाइज कि क्या कर रहा है, कैसे मूव हो रहा है और किधर जा रहा है गाइज, ये आपको देखना है गाइज 10 मिनट तक कि कितना लेवल आज ब्रेक किया, गैप अप कितना हुआ, गैप डाउन कितना ओपन हुआ गाइज, ये आपको फर्स्टली देखना है गाइज। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो सेटअप है उसका जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया गाइज, ये फर्स्ट पॉइंट है गाइज। जब भी मार्केट ओपन होता है तो आपको वेट करना है और देखना है गाइज। और मैं सेकंड पॉइंट बताना चाहता हूँ गाइज, आप कभी भी मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग गाइज जो चार्ट पैटर्न है वो हमेशा वो 15 मिनट का जो चार्ट का पैटर्न रहता है उस पर ट्रेड कीजिए गाइज, क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी है मैं अभी बताने वाला वो यही इस पर वर्क होता है गाइज। आपको करना क्या है गाइज कि जब भी अभी निफ्टी देखो और इस बैंक निफ्टी देखो, आपको क्या करने का, जब भी 10 मिनट आप देखोगे कि मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है, उसके बाद आपको क्या करने का है गाइज कि निफ्टी का हाल देखा आपने, उसके बाद आपका जो कैंडल का जो पीरियड 15 मिनट का रहना चाहिए गाइज, उसके बाद आपको क्या करने का, जब भी 15 मिनट ओवर होते हैं तभी उसका कैंडल का जो पैटर्न है वो देखना है कि कैंडल ने कौन सा पैटर्न बनाया है, कि डबल टॉप पैटर्न बनाया है, एक हैमर पैटर्न बनाया है, क्या डबल स्टार पैटर्न बनाया है, स्टार पैटर्न बनाना है, ये आपको देखना है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि उससे समझेगा। और इसकी ऐसा देखना है कि वॉल्यूम कौन से साइड ज़्यादा है, मतलब कि ऐसा रहेगा कि ऐसा कैंडल बना रहेगा कि जिसमें शैडो ही नहीं रहेगा, मतलब ये शैडो रहता है ऐसा शैडो नहीं रहेगा, सिर्फ मतलब कैंडल ही रहेगा, मतलब ब्लू रहेगा और रेड रहेगा, मतलब इससे आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम का जो ताकत है वो कैसे चल रहा है ये मतलब निफ्टी और निफ्टी 50 में। तो गाइस इसके बाद आपको क्या करने का, ये आपको पता चले कि कौन सा कैंडल है गाइस, कैंडल स्टिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है गाइस, वो आप देख लीजिए कैसा है कैसा नहीं है गाइस, और बहुत सारे यूट्यूबर ने बनाया कैंडल स्टिक पर वो देखे गाइस। तो मेरा मतलब ये कैंडल देखने का रीज़न क्या है गाइज कि आपको पता चलना चाहिए कि वॉल्यूम कैसा है गाइज मतलब ऐसा भी हो सकता है गाइज कि मार्केट फर्स्ट गैप अप ओपन हुआ एक बड़ा कैंडल ऐसा ओपन हुआ, उसके बाद फटक से गाइज ऐसा नॉर्मल कैंडल ओपन हुआ तो फटक से गाइज ऐसा कैंडल आया रहेगा, उसके बाद
मतलब एक हैमर टाइप आया रहेगा। तो गाइज इसका मतलब कि सेलिंग साइड ज्यादा जा रहा है स्टॉक वो, तो गाइज ये आपको पता चलेगा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न से गाइज। और थोड़ा इंडिकेटर का भी मतलब यूज ले लो, सजेशन ले लो इंडिकेटर का भी, लाइक मैकडी है वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है गाइज, वो आपको अच्छे से सजेशन करेंगे गाइज। तो गाइज ये अपना सेकेंड पॉइंट हुआ कि 15 मिनट के चार्ट पर आपको कैंडल देखना, 15 मिनट के कैंडल कौन सा आया 15 मिनट के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी। तो गाइज आप इफ ऑप्शन ट्रेड करते हो और उसके बाद आपको पता चलेगा गाइस कि कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है गाइस। मैंने कैंडलस्टिक पे पैटर्न पे वीडियो बनाया गाइस, ये अपना 2 पॉइंट हुआ गाइस। 10 मिनट वेट करना है निफ्टी निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का हालत देखने का, उसके बाद कैंडल कौन सा आया 15 मिनट के चार्ट पे वो देखने गाइस। थर्ड पॉइंट क्या है गाइस कि आप कौन से सेगमेंट पे ट्रेड करते हो गाइज, कि इफ आप निफ्टी में ट्रेड कौन से सेगमेंट में आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो और स्टॉक में ट्रेड करते हो कमोडिटी में ट्रेड करते हो, ये आपको मतलब देखना है गाइज। और आप इफ आप स्टॉक में ट्रेड करते हो गाइज, मैं मोस्टली स्टॉक में ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग और बाइंग मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है गाइज। तो मैं स्टॉक को पहले एक बार देख लेता हूँ गाइज, स्टॉक का जो फंडामेंटल है गाइज वो मैं पहले ही एक दिन पहले देख लेता हूँ गाइज। फंडामेंटल देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आप इफ आप क्या करते हो गाइज, फंडामेंटल देखते नहीं गाइज स्टॉक का और क्या करते गाइज ऐसे ही मतलब देख ले लेते हैं गाइज। फंडामेंटल देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है गाइज एक दिन पहले स्टॉक। इफ आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, मैं इधर लिख के रखता हूँ गाइज, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक ट्रेडिंग इफ आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो गाइज आपको फंडामेंटल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंडामेंटल के बाद आपको देखना क्या गाइज कि उसका वॉल्यूम गाइज, अभी आप इफ अज्यूम करते हो आप निफ्टी 50 के सेगमेंट वाले स्टॉक में ट्रेड कर लो और बैंक निफ्टी के स्टॉक में, लाइक आप एक्सिस बैंक में और HDFC बैंक में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है गाइज बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो कंपेयर में साइड में रखना है गाइज कि बैंक निफ्टी कैसा मूव हो रहा है। तो गाइज आप कंपेयर करके भी मतलब अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो गाइज, कि लाइक मैं कभी कभी क्या करता हूँ गाइज, इफ गाइज आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ गाइज मैं, इफ निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी बहुत गंदा मतलब बहुत नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहा है और आप एक्सिस बैंक में पॉजिटिव का ट्रेड लोगे मतलब बाइंग साइड का ट्रेड लोगे, तो गाइज एक गैम्बलिंग टाइप है गाइज, मतलब आप कुछ देख रहे नहीं हो गाइज, क्योंकि जो उसका मेन मेन चीज है मेन जो मतलब पूरा बैंक बैंक के जो स्टॉक है वो एक सब मिलके बैंक निफ्टी मतलब होता है, वो मीन वाला एवरेज होता है गाइज। तो आप वैसा करोगे तो आपको आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है गाइज, साइड बाय साइड आपको कंपेयर करने का है कि आप इफ बैंक के सेक्टर में स्टॉक कर रहे हो तो आपको क्या करने का गाइज, आपको बैंक निफ्टी कंपेयर बैंक निफ्टी करना है गाइज, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपको लॉस लॉस का जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, आपको बैंक निफ्टी भी साइड बाय साइड देख के ट्रेड करना है गाइज। तो गाइज ये है और गाइज 15 और ये भी जो चार्ट रहेगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही रखो, निफ्टी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रखो, बहुत अच्छे से वर्क होता है गाइज, ये मेरा ध्यान रखो गाइज। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज कि आप कभी भी ट्रेडिंग करते हो तभी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तभी गाइज आप कैंडल स्टिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कैंडल कौन सा बन रहा है और क्या बन रहा है गाइज। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्क्रीन में ऑफ कर रहा हूँ गाइज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ गाइज, ऑरो फार्मा में देखो गाइज मैंने कैसे कैसे ट्रेड लिया था गाइज, आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज। देखो गाइज ऑरो फार्मा में कैसे हुआ था बता रहा हूँ गाइज, ऑरो फार्मा देखो गाइज कि ये जो फेज था ये देख सकते हैं आपकी, जब भी अभी इधर मैं 15 चार्ट के जब भी मार्केट ओपन हुआ गाइज, ये फेज के बाद मार्केट ओपन हुआ था गाइज, तभी गाइज आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है गाइज कि कैसे कैसे वो मतलब कैसे मूव आउट किया गाइज, ये आप देख सकते हैं कि इधर हैमर उल्टा हैमर पैटर्न बना था गाइज और बाइंग साइड वाला पैटर्न बना था गाइज। उसके बाद आप देख सकते गाइज वॉल्यूम का क्या भरावट थी गाइज, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल वॉल्यूम था। तो इसका मतलब क्या था गाइज कि मेरे को समझा कि इधर बहुत ज्यादा पावरफुली मतलब कोई तो बाइंग साइड पे जा रहा है, तो गाइज इसका मतलब क्या गाइज कि कोई तो इसको बता रहा है कि बाइंग साइड पे जाओ। मतलब गाइज कभी भी देखो गाइज जब भी रिटेलर बाय करते तभी ना इतना बड़ा बड़ा कैंडल्स फॉर्म नहीं होता गाइज, आपको आप देख सकते गाइज दो मिनट में आपको बता रहा हूँ गाइज। आप देखो गाइज कि ये फेज में जब भी आप देखो गाइज ये कैंडल देख रहे हो आप, सॉरी ब्लैक में करता हूँ गाइज, ये आपको समझ में गाइज आप देख सकते हैं ये कैंडल कितना बड़ा आ रहा है गाइज, इतना बड़ा कभी कैंडल नहीं आता गाइज स्टॉक मार्केट में, जब भी ट्रेड होता तो अभी कैंडल का साइज इतना छोटा छोटा मतलब आप देख सकते हो गाइज, ऐसा कैंडल रहना चाहिए और गाइज इतना बड़ा सिर्फ उसका वॉल्यूम है गाइज, आप देख सकते हैं कि मतलब क्या हो रहा है गाइज कि कोई तो इसको ऐसा बोल रहा है कि बाइंग साइड पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो आपको क्या लगेगा इंडिकेटर में कि ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो गाइज उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना फटाफट गिरावट हुआ गाइज, आपका स्टॉप लॉस इफ आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया रहेगा तो कितना फटाफट नीचे गाएगा, आपको समझेगा भी नहीं कि कभी आप सोचोगे थोड़ा वेट करो ऊपर जाएगा ऐसा नहीं था गाइज। आप देख सकते हैं कि ये जैसा बढ़ रहा है उतना ही स्पीड से नीचे भी आएगा, तो आपको समझ
चाहिए कि ये जो ऑपरेटर है इसने इधर इतना हाई वॉल्यूम में बाय किया तो फटाक से स्टॉक ऊपर गया, लोगों को रिटेल लोगों को क्या लगा कि बाइकिंग साइड पैसे ज्यादा, तो उन लोगों ने बाय किया और जिन लोगों ने बाय किया और फिर बाद में जो ऑपरेटर है उसने पैसा इधर निकाल दिया और उसके बाद निकालने के बाद जो रिटेलर लोग हैं वो फटाफट वैल्यूज का जो डिमांड है वो उसका कम हो गया गाइज, और फिर जो रिटेलर लोग हैं उन लोगों को लॉस, फटाफट स्टॉक नीचे आया क्योंकि जो ऑपरेटर है उसने उसका पैसा निकाल दिया गाइज। तो आप देख सकते हैं गाइज, तो गाइज आप देखो कि गाइज इसमें ही वीडियो में आप देख सकते हैं कि इधर अच्छा एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है गाइज। तो गाइज आपको अभी मैं फिर से यही मेरे ब्लैक स्क्रीन पर ले गया था गाइज, और आपको क्या गाइज सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस जोन वाला जोन है आपको वो बहुत अच्छे से देखना है किसमें गाइज, स्टॉक ट्रेडिंग में गाइज। गाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से ये दिया गाइज कि कैसे होता है, क्यों होता है गाइज, आपको समझा रहेगा कि अभी ये ब्लू वाला है गाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें गाइज, अपना निफ्टी में और स्टॉक ट्रेडिंग में गाइज। तो गाइज आप देख सकते हैं बाहर बारिश भी आना चालू हो गया गाइज, मुंबई में बारिश चालू हो गया गाइज। तो गाइज यही इतना ही गाइज, आपको क्या करना है गाइज मैं फिर से एक बार बैकअप कर लेता हूँ गाइज सब चीज़ें। गाइज आपको क्या करना है गाइज, जब भी निफ्टी चालू हो, बैंक निफ्टी चालू हो, तो आपको फटाक से ट्रेड नहीं लेना है गाइज, आपको 10 मिनट तक वेट करना है गाइज, उसके बाद उसका हाल देखने का, और जो 15 मिनट के कैंडल पे जो फर्स्ट कैंडल आया उसका हालत देखना है गाइज कि उधर वॉल्यूम कैसा है, बाइंग साइड है, सेलर साइड है, कौन से साइड का वॉल्यूम है गाइज, ये फर्स्ट आपको देखना है। उसके बाद क्या करना है गाइज, आपको कैंडल वेरीफाई करने का, कौन सा है, डोजी है, डबल स्टार है, वो आपको कैंडल वेरीफाई करने का है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप इफ कमोडिटी ट्रेड करते हो गाइज, कमोडिटी ऑप्शन सेलिंग में बहुत बार स्टॉक का जो मैं बताया वो गाइज आपको फंडामेंटल देखने का। इफ आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले तो आपको जितने भी स्टॉक्स है जो बैंक के रिलेटेड है उसका फंडामेंटल देखना है एक रात पहले ही। उसके बाद इफ आप कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हो और एल्स आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, कोई क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आप ट्रेड कर रहोगे, तो आपको क्या करने का गाइज, जो यूएसडी है मतलब जो यूएस का करेंसी उसके साथ आपको कंपेयर करना है गाइज। इफ आप मैं बैंक में स्टॉक में कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा गाइज, मैं बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करूंगा और फिर देखूंगा कि बैंक निफ्टी का हालत कैसा है, बैंक निफ्टी में कैंडल कौन सा बन रहा है, उसके बाद मैं स्टॉक में गाइज आपको मैं एक बेसिक स्टेट बताता हूँ गाइज कि जब भी बैंक निफ्टी में कुछ रिएक्शन होगा उसका ही थोड़ा मीन बैंक के स्टॉक में होगा गाइज। आपको समझ आया मैं कैसा बोल रहा हूँ गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइज, बहुत ही इजीली समझेगा गाइज। बैंक निफ्टी होता क्या है गाइज कि HDFC इतना जब सब बड़े बड़े बैंक है उन लोगों को कंपेयर करके एक बैंक निफ्टी इंडेक्स बनाया गाइज, तो गाइज और ये सबका मीन रहता है गाइज। तो गाइज आप एक स्टॉक में ट्रेड करो, लाइक आप HDFC में ट्रेड कर रहे हो गाइज, तो जो बैंक निफ्टी है गाइज मीन है, मीन वो उसका सब मीन है, मतलब बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है गाइज कि समझो गाइज HDFC एक्सिस बैंक ये सब बड़े बड़े बैंक, ICICI यस बैंक ये सब बैंक मतलब बाइंग साइड पे जा रहे हैं, उसका मीन बता रहा है कि बाइंग साइड जा रहा है, तो गाइज उस बैंक निफ्टी में फर्स्ट दिखाई देगा क्योंकि उसने एवरेज निकाला है, और जो स्टॉक में मतलब स्टॉक अपन HDFC और ICICI बैंक में ट्रेड कर रहे हैं उसमें बाद में दिखेगा। आई एम होपिंग आपको समझ रहा है कि क्योंकि बैंक निफ्टी सबका मीन है, वैसे गाइज आपको निफ्टी में भी देखना, निफ्टी का स्टॉक कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करने का, ACG सीमेंट है, जील है, जी एंटरटेनमेंट, ये सब स्टॉक आपको देखना है गाइज, उसके बाद उसको रिएक्ट करना है क्योंकि जैसा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जैसा रिएक्ट करता है वैसा ही अपना स्टॉक है मतलब एक्सिस बैंक पकड़ो बैंक निफ्टी के लिए कंपेयर में तो वैसा ही रिएक्ट होता है। तो गाइज आई एम होपिंग आपको समझा गाइज, आपको कैंडल भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है गाइज, यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ और इसके साथ मैं प्राइस एक्शन कंपेयर करता हूँ और चार्ट एनालिसिस करता हूँ गाइज, और यही सीखा है सब वीडियो मैंने पहले से डाल के रखा है गाइज, सिर्फ मेरा जो चार्ट एनालिसिस का थोड़ा वीडियो वो बाकी गाइज, बाकी सब अपने चैनल पे सब अवेलेबल गाइज। आई एम होपिंग आपको समझ रहा है सब इजीली है सब गाइज आपके लिए ही है। तो गाइज आई एम होपिंग आपको कुछ भी डाउट रहेगा मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाने वाला गाइज, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग विद योर ट्रेडर फ्रेंड एंड लव you guys, bye bye.